हेलो, मेरा नाम चौधरी निज्जर है, राजिंदर निज्जर है। तो मैं कुंडोरी निज्जर का जट है। मैं सिंह नहीं है। सिंह जो होंगे उदों अमृत छक के बनता, जो अमृत छकता तो उदों अपना शीस दिता है। यानी कि सच्चे पातशाह गोबिंद सिंह जी ने पंजा के सिर स्टेज पर लाए सी, फिर एक का सिर तो दूजे का धड़ सीता सीगा। यानी कि हुण पछाण तुहाडी जांदी रही। ते वो खालसे जिहड़े सीगे वो फिर लड़े सन, खालसा की फौज बनी सी। इसकी पूरी जानकारी मेरा आर्टिकल है विसाखी ते, उहदे च तुसीं पढ़ो। तो इत्थे मैं कर रहा सतगुरु अमर देव जी के श्लोक ते हैगा चौथा चित बिरती के बारे। चित बिरती दे एक मिक हो जाता आदमी अकाल पुरख। ये भगत है ने बेमुख, सनमुख, गुरमुख भगत। भगत वो रले होंगे ने। अकाल पुरख से भगत च कोई फर्क नहीं होंगे। इस करके वो भगत पुत्र है, वो निशान है ने। सच्चे भगत सोहे दरबारे। सच्चे भगत जड़े ओदे दरबारे च सजदे ने। सचो सच वखाने राम। वो हमेशा सच ही, वह अकाल पुरख का नाम ही ओदी व्याख्या कर करके दसदे लोगों को। व्याख्या तदे करोगे तो तुसीं समझी होगी, समझोगे लॉजिकल रीजनिंग ना। हुण जिहड़ा है ना काम क्रोध लोभ मोह हंकार अज के हैगा, वो मैं इहदे च दस्सिया हैगा सारा लॉजिकल रीजनिंग नाल हैगा। काम क्रोध लोभ मोह हंकार सारा सोच के समझ के मैं ये बनाया चार्ट, ये आप बनाया हैगा। घट अंतर साची बानी साचो आप पछाने राम। सर घट दिल दे अंदर है अंतर है, साची बाणी है साचो आप पछाने राम। राम अंदर ही बैठा है, रम रहा ना, जड़ा अंदर एक रम रहा वो राम है, वो सत है। रामचंद्र जड़ा है वो एदा लिशकारा है, जिन्ना चंद हुंदा लिशकारा राम दा सूरी दा। जे सूरज तो रोशनी मिलूगी तादी चंद रोशनी थले देवेगा, जो उतों मिलेगी तो नहीं मिलती ना। इस करके ये तुसीं पुत्र बन जाने अकाल पुरख दे। आप पछाने तां सच जाने। आप पछाने दा मतलब जे तुसीं आप लॉजिकल रीजनिंग करोगे, जे आप तुसीं लॉजिकल रीजनिंग ज्ञानी हो जो आप विचारे, जे तुसीं ज्ञानी होवोगे तां तुसीं आप विचारोगे, तां तुहानूं समझ आएगी, तां तुसीं लोकां नूं दसोगे। नहीं तो किताबां पढ़ के फलाने प्रोफेसर का टीका फलाने का, वो ये जो प्रोफेसर है साहब सिंह इनू हर तो हरी का नहीं पता, हर नू हरी कही जाता। हर है हर एकमकार का, हरी है हरी ओम शांति। हिंदुओं का हरी, सिखा का हर। आप पछाने तां सच जाने। आप जदों समझदा ना नाम नूं, फिर सच उहदे दिल च आके टिक जांदा हैगा। इहनूं इन बाइबल विच कहंदे ना कि दी गॉस्पल कैनट बी रिटन डाउन इन इंक ऑन पेपर। कागज़ ते नहीं लिखिया जा सकदा गॉस्पल। गॉस्पल रिटन ओवर द लिविंग टैबलेट्स ऑफ हार्ट। दिल ते लिखिया जांदा। दिल ते दे तुसीं ओहदे लॉजिकल रीजनिंग करोगे तां तुहाडे दिल ते लिखिया जाएगा। आप पछाणे तां सच जाने, सच्चे सोझी होई। तां फिर ओहदे सच्चे दे नाल सोझी ओहदी हुंदी है अकाल पुरख दी। ते जदों तुसीं ओहदा प्रचार करदे अकाल पुरख दा तां ओहदी तुसीं लाइट ओहदी दिंदे आ। तुसीं ओहदे पुत्तर हैगे आ, पुत्तर ओहदा निशान हैगा ना। तुसीं ओहदे निशान बन जांदे आ, ते इस करके तुसीं ओहदे पुत्तर बन जांदे आ। सच्चे भगत सोही दरबारे, सचो सच बखाने राम। घट अंतर साची बाणी साचो आप पछाने राम। अंदर बैठा पछाणदा हैगा, यानी कि इनू कहंदे इमैनुअल, गॉड इज विद अस। आप पछाने तां सच जाने, सच्चे सोझी होई, फिर वो सच्चे दी सोझी हुंदी है अकाल पुरख दी। सच्चा शब्द सच्ची है शोभा, सच्चे ही सुख होई। सच्चा शब्द जदों तुसीं लॉजिकल रीजनिंग नाल उहनूं समझदे हो ना, तद वो सच्चा हैगा, तुहाडे दिल ते आके बह जांदा हैगा। सच्चा शब्द सच्ची है शोभा, शोभा भी उहदी सच्ची हुंदी हैगी ते सच्चे ही सुख होई। ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘੁਮਿਆਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਂਡਾ ਸਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਟਿਕਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਥੱਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝੇ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਦੂਏ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈਗਾ, ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚਾ ਸਭ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ, ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸਾਚ ਰਤੇ ਭਗਤ ਇੱਕ ਰੰਗੀ, ਸਾਚ ਰਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वो माया दे जड़ा हैगा ओदी बिल्कुल नहीं गल करे, एके दी गल करदे ने अकाल पुरख दी। साच रते भगत एक रंगी, एक रंगी हुंदे हो, दूजा रंग ना कोई, उन्हें माया दा रंग नहीं लगा हुंदा। जिद्दां चांदी निखड़ी होवे ना, ओदे चों कालख निकल जांदी सारी, वो चांदी फिर चमकदी हैगी सारी। इदां ही यानी कि वो चांदी वांगर बन जांदा आदमी, दूए दा उन्हें कुछ नहीं ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕੋ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਸ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ सबक लै सके कि लॉजिकल रीजनिंग कितना करी देगी, तो किमें यह समझना है। बाकी तुसीं आप भी कोशिश करोगे तद मिलेगा, किसी ने कोई नहीं दे सकता। जे तुहाडे च चाह हैगी तद मिलेगा। नानक जिसको मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई, उहदे सच प्राप्त होंदा प्री डेस्टिन्ड ऑफ गॉड। इहो ही हैगा जिहड़ा इन्हां दी बाइबल विच हैगा। बाइबल विच जीजे दे 12 कामे सीगे। कामे सी वो डिसाइपल नहीं सीगे, डिसाइपल होंगे गुलाम। वो गुलाम नहीं सी, वो तो आज़ाद करता सीगे। जिहड़े कामे होंगे आज़ाद हैगे ने, छड्डना चाहन तो छड्ड देन, जे नाल हैगे तो नाल हैगे ने। उन्हां ने जिहड़ा जोड़िया होया सी ना, वो फिलियल लव सीगी, फिलोसफिकल। ते उन्हां 12 चों एक सीगा जिहड़ा अकीजा सीगा। अकीजा मैने ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀ ਪੀਟਰ। ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਪਲ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਰੌਕ ਆਫ ਦੀ ਚਰਚ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਕੱਚੀ ਇੱਟ। ਸੱਤ ਹੈਗੀ ਪੱਕੀ ਇੱਟ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹੀ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਬਣਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ सत्त है। जो सच नाल प्यार रखता है वो कोल सत्त होंदा हैगा। ये हैगी जी व्याख्या। बड़ा स्पैशलाइज्ड हैगा सिक्खी।